चर्चा की शुरुआत राजीव जी आपके साथ करना चाहूंगा। और राजीव रंजन जी उन चेहरों में से हैं जो बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखते हैं। राजीव जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। राजीव जी मैं ये क्या सुन रहा हूं, अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा था, अग्निवीर योजना का इसका असर दिखाई दिया, अग्निवीर योजना की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए और सरकार कदम पीछे खींचे। अभी तो सरकार बनी नहीं, आप लोग डिमांड रख रहे हो। डिमांड हमारी पार्टी कभी डिमांड नहीं करती है। और तिलक चावला जी आपके शो पर हमने कई बार कहा भी है कि भारत में गठबंधन सरकार के जनक ही रहे नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस साहब। जिस एनडीए की सरकार आज बनने जा रही है, इस एनडीए के जनक रहे नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस साहब, और कन्वेनर रहे जॉर्ज फर्नांडिस साहब जब तक जीवित रहे। तो आज जो सरकार बनने जा रही है, इसकी शुरुआत की जड़ जो है नीतीश कुमार से निकलता है। तो हम इस सरकार को चलाएंगे और मजबूती से चलाएंगे, और बड़ी मजबूती से एनडीए की सरकार देश में 5 साल तक चलेगी। ये जो बिलाय के भाग से सिक्का टूटने का जो लोग सोच रहे हैं, बेकार सोच रहे हैं। नहीं, इस इंडिया गठबंधन के जनक योजना तो आप ही थे। नहीं, यहाँ तो बोल रहे हैं भाई, एनडीए के भी जनक हम ही रहे और इंडिया के भी हम ही रहे। मतलब कि गठबंधन चलाने का अगर कोई सबसे एक्सपीरियंस आदमी इस देश में है तो नीतीश कुमार जी हैं। हम 18 बीजेपी के साथ लगभग। अग्निवीर योजना से क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, समीक्षा की बात जीतन राम मांझी जी ने कहा। कैसी त्यागी जी कह रहे हैं, नहीं हो सकता है समीक्षा? क्यों नहीं हो सकता है समीक्षा? क्यों होनी चाहिए, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आरक्षण की समीक्षा की बात है ना संविधान में, तो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए। हाँ? तो कई लोग तो डिमांड करते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। आप कह रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए, चलिए मैं पूछ लेता हूँ आपके सामने। राजीव रंजन जी सुझाव के तौर पर संदीप दुबे जी कह रहे हैं किसी भी कीमत पर कदम पीछे नहीं खींचा जाएगा, ये राष्ट्रहित में उठाया गया कदम था, ये राष्ट्रहित के लिए उठाया है कदम। नहीं नहीं, देखिए समीक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं तो समीक्षा तो होगी, अगर राष्ट्रहित में होगा तो जारी रहेगा, लेकिन समीक्षा तो होगा। नहीं, समीक्षा कैसे होगी, वो तो समीक्षा की आपके सामने दुबे जी कह रहे हैं कि भाई समीक्षा की क्या जरूरत है, जब राष्ट्रहित में है तो बात ही खत्म। नहीं, जब देखिए जब एनडीए का गवर्नमेंट है और एनडीए सरकार बनेगी, जो जो मंत्री बनेंगे अपना बात तो रखेंगे प्रधानमंत्री के सामने, कौन सी योजना है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आरक्षण की समीक्षा की मांग जो है भागवत जी ने किया था कि नहीं किया था, जवाब दीजिए दुबे जी। राजीव रंजन जी जो विषय कह रहे हैं वो केसी त्यागी जी के बयान को अगर आप सुनेंगे तो एक उनका सुझाव था और उस सुझाव को सहज स्वीकार करना बड़े तबके में असंतोष था, ये बात कही जा रही है जेडीयू की तरफ से। नहीं है कोई विभेद नहीं है, लेकिन एक बात राजीव रंजन जी, जो बात संदीप दुबे जी कह रहे हैं और बीजेपी का जो रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो फैसले लेने के बाद कदम पीछे खींचते नहीं है इतनी आसानी से। तो कदम खींचने के लिए हम लोग कह भी नहीं रहे, समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं, अगर राष्ट्रहित में होगा तो जारी रहेगा। अच्छा। और नहीं होगा तो समीक्षा होकर के जो फिर जो फैसला करेंगे। नहीं, आपकी मांग फिर कहां जायज है? आप कह रहे हो कि जातिगत जनगणना करवाओ, वो नहीं करवाते? जातिगत जनगणना तो हमारी मांग है, स्टैंड अप कराएंगे पूरे देश में। नहीं, कहां वो कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना की मांग करता है वो जातियों के आधार पर सियासत करता है, आप जातिगत सियासत कर रहे हैं। नहीं, अमित शाह जी का भाषण निकाल लीजिए छत्तीसगढ़ का, क्या अमित शाह का भाषण है जातीय जनगणना कराएंगे पूरे देश में? छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में अमित शाह ने जाके कहा है, सुबह नरेंद्र मोदी जी ने कई मंचों से कहा है, हमारी मांग पर का समर्थन बिहार के बीजेपी ने भी किया है, तो जातीय जनगणना तो हमारा मांग रहा है। तो आपको लगता है पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाओगे आप? ऐलान होना चाहिए, हमारे नेता का मांग रहा है। ज्ञानवर्धन करिए, वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना हमारी मांग है, करवा के रहेंगे। देखिए राजीव भाई को और आपको और जो आपके माध्यम से देश की जनता सुने उसको, दो विषय मैं कह देता हूँ, मुझे बोलने का अवसर दीजिएगा। जो भी विषय एनडीए गठबंधन के घटक दलों द्वारा भी आएंगे, हम लोग मैनिफेस्टो लेके चुनाव में जनता के बीच गए थे, एनडीए इलेक्शन जीत के आया है, सभी पार्टियां चाहेंगी उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से वो काम करें, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो या टीडीपी हो या और भी छोटे छोटे जो रामविलास पासवान जी के बेटे की पार्टी है, तो ये सब लोग चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए है, एनडीए इस तरह से सक्षम है
कि हर राज्यों में जो भी राजनीतिक दल काम कर रहे हैं और जनता को जो वादे किए वो पूरा कर। राजीव रंजन जी, यूसीसी, आपके नेता कह रहे हैं यूसीसी को लेकर स्टैंड क्लियर होना चाहिए, स्टेट होल्डर से बात होनी चाहिए, ऐसे लागू नहीं हो सकता। जब एनडीए जब बना था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी हम लोगों ने जो स्टैंड रखा है, तो आप देख लीजिए उस समय क्या स्टैंड रहा है हम लोगों का। एनडीए का जो फॉर्मेशन हुआ है, कई मुद्दों पर हम लोगों का मतभेद रहा है। नहीं, यूसीसी को लेकर आपका क्या स्टैंड है? यूसीसी को लेकर कई मुद्दों पर मतभेद रहने के, जिस जिन मुद्दों पर मतभेद है उसको किनारे रख करके सरकार चलाई गई थी। राजीव जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है सरकार चलाने के लिए, यूसीसी को लेकर आपका स्टैंड क्या है? नहीं देखिए, धर्म के आधार पर जो स्वतंत्रता मिली है संविधान में, हम लोग तो, हमारी पार्टी, हमारे नेता का स्टैंड हमेशा रहा है कि संविधान सम्मत जो हो उस सब पर लागू। अच्छा चलिए राजीव जी, बिहार में यूसीसी लागू होने देंगे आप? ये संविधान सम्मत बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल में जो सीए को लागू होने देंगे बिहार में? सीए तो लागू जब केंद्र सरकार करेगी तो पूरे देश में लागू होगा, तो करना पड़ेगा सबको। लेकिन ये तो एनडीए के मुद्दे कौन कौन से होंगे आप समर्थन करते हैं? हमारी पार्टी का कल सुबह बैठक है 9:30 बजे। आप समर्थन करते हैं? समर्थन हम तो लोकसभा में, हमारे नेता ने स्टैंड, हम उस समय बीजेपी के साथ थे, तब हमने विरोध किया है। लेकिन राजीव जी, यही तो बीजेपी कह रही थी कि ये नीतीश को कभी एनडी में शामिल नहीं करेंगे। नहीं, वो तो कह रहे, लेकिन एनडीए मेरा नेचुरल एलाई है, हम सबसे अधिक दिनों तक अगर किसी अलायंस में रहे हैं तो एनडीए अलायंस में रहे। नहीं तो ऐसे तो आपकी भी क्या गारंटी सर, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो आपकी इस बार क्या गारंटी? नहीं, गारंटी फुल गारंटी है एनडीए के साथ रहेंगे सर। अब आपकी गारंटी कैसे मान ले? नहीं, 200% गारंटी है। आपने जिस इंडिया गठबंधन को जन्म दिया, आप उसके नहीं रहे तो फिर इनके क्या रहोगे? अरे भाई, कुल्लूर लक्षण लोग का ठीक नहीं था, हम लोग बनाए इंडिया गठबंधन, देश बचाने के लिए बनाए थे, देश के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए बचाए थे। तो यूसीसी आपका मुद्दा है कि नहीं? संदीप दुबे जी, नहीं, परिवारवादी लोग, ये राहुल गांधी का परिवार, तेजस्वी का परिवार, अखिलेश का परिवार, शरद पवार, सब परिवारवादी लोग जब लूटने खसोटने की बात करने लगे, हम लोग वापस एनडीए में चले गए।